नरोत्तम जी इस अभियान के प्रभारी हैं, बताया कि नहीं? ये पूरा ज्वाइनिंग जो है ना, नरोत्तम जी उसके इंचार्ज हैं। सर, दिव्य सिंह जी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सवाल उठा रहे हैं कि जो मूल मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की होनी चाहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी इस देश की राजनीति में सिवाय विष घोलने के अलावा और कोई उनके पास कुछ है नहीं, इनके कंठ में ही विष है। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इस बात के लिए गौरवान्वित है कि 500 वर्षों के इतिहास, संघर्ष, बलिदान, लाखों लोगों के बलिदान के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलला विराजमान होंगे, वहाँ उनकी उपस्थिति रहेगी। तो इसलिए हर बार देश के अंदर जब भी कुछ अच्छा होता है तब ये विष उगलने का काम दिग्विजय सिंह जी करते ही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पूरा देश सेना पर गौरवान्वित था, लेकिन वो सेना से प्रूफ मांग रहे थे। जब राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा था तब ये कोर्ट के अंदर खड़े होकर के कपिल सिब्बल के साथ, ये दिग्विजय सिंह और इनका नेतृत्व, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, तब ये कह रहे थे कि राम का अस्तित्व कहाँ है। तो ये इस प्रकार के दोहरे चरित्र के लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें लाने का प्रयास, विष उगलने का काम देश के अंदर करते हैं। तो इसलिए देश इन्हें नकार चुका है, इनके दल को भी और इनको भी। तो दिग्विजय सिंह हमेशा से इसी प्रकार की बात करते आए हैं, लेकिन जनता ने, पूरा देश आज गौरवान्वित है कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। ये पूरे भारत नहीं, दुनिया के जनमन और दुनिया की जो भावना है आज गौरवान्वित है और हम सब उत्साहित हैं। पूरा दिवाली मनेगी तो दिग्विजय सिंह भी एक दीपक लगाएंगे अगर, तो अच्छा होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर 9 जिले में रहेगी, उसका रूट में पाया है, 7 दिन चलेगी। तो थोड़ा पुरानी, जब उनकी कौन सी यात्रा थी पहले जो निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, सब टूट गई। जहां जहां पैर पड़े वहीं वहीं मंटाढार हो गया, सारे जहां जहां गए थे वहीं कांग्रेस हारी। तो इतिहास देख लें, और भारत जोड़ो यात्रा से कौन कौन उनके साथ में थे ये भी उन्हें पूरा देश ने देखा है और दुनिया ने देखा है कि भारत को तोड़ने वाले लोग थे वो उनके साथ खड़े थे, उनके साथ वो कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे। तो कांग्रेस को देश ने, जनता ने नकार दिया है। राहुल गांधी के बारे में क्या कमेंट्स आते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार का नेतृत्व कांग्रेस के अंदर है, जो कांग्रेस अपना अस्तित्व देश के अंदर खो रही है।